CDS बिपिन रावत, वो अधिकारी जिनके एक्शन से दुश्मनों की रूह कांप जाती थी, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बड़े बड़े ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया था, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज दोपहर भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वायुसेना के MI-17 VH हेलीकॉप्टर से लेक्चर देने के लिए कुन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी और इसी दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। PM मोदी ने भी जनरल बिपिन रावत की असामयिक निधन पर शोक प्रकट किया और ट्वीट कर लिखा कि भारत के पहले CDS के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दोपहर में हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है और इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। साल 2016 में जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बने थे तो उनकी पत्नी मधुलिका को आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालने का मौका मिला था। जनरल बिपिन रावत की दो बेटियां हैं, जिनमें एक बेटी का नाम कृतिका रावत और दूसरी का तारिणी है। इस पूरी घटना की जानकारी के बाद उनके पूरे परिवार में शोक का माहौल है। इस पूरी घटना को लेकर भारतीय वायुसेना ने भी एक बयान जारी किया है। पूरा देश शोक की लहर में डूब चुका है और उन्हें उनके कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।